नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसईया सन सिटी ग्राउंड पर। जैसा कि आज यहां भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पोजीशन के नेता अमित शाह की जनसभा होनी थी पालघर के प्रत्याशी हेमंत सवरा के पक्ष में। उस सभा में अमित शाह 4:15 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से यहाँ आए पहुँचे। ये पीछे आप देख रहे हो पंडाल जो बना हुआ था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था, हजारों की तादाद में लोग यहाँ थे। इस तरफ यहाँ पीछे स्टैंड में अमित शाह और उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। देवेंद्र फडणवीस भी आने वाले थे उप मुख्यमंत्री, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं आए। और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, उनका तो नाम ही नहीं था, तो उनका आने का कोई यहाँ पर प्लान नहीं था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर था, वो नहीं आए। उसके अलावा पालघर के पालक मंत्री रविंद्र चौहान, वर्तमान सांसद राजेंद्र गावित और दूसरे यहाँ के लोकल सभी नेता थे। करीब करीब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17-18 मिनट का स्पीच किया। उसमें उन्होंने इंडिया अलायंस और खासकर उद्धव ठाकरे के ऊपर काफ़ी निशाने साधे और मोदी जी की सरकार को एक प्रगतिशील सरकार बताया। उसके बाद में अंत में अमित शाह, उन्होंने करीब करीब 25 मिनट के अपने भाषण में कई चीज़ों का जिक्र किया और उनकी सरकार की कामकाज गिनाए कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने विपक्षियों के ऊपर काफ़ी तेज हमला भी बोला। और दोनों ही वीडियो हम अलग अलग दो खबरों में लगा रहे हैं, अनकट भाषण है, आप जरूर सुनिएगा। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ी है उनका भाषण था, काफ़ी लंबा भाषण था, तो आप स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए उनके भाषण को और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। तीसरा क्यों होने वाला है हेमंत जी के
निशान पर बटन दबाते ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सबसे पहले मैं चीतारिणी माता मंदिर को प्रणाम करता हूं। हे महालक्ष्मी संतोषी माता ही वसिष्ठा उमादेव माधवदेव कंसारी देव और डोंगरी देव को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। क्रांतिकारी राघोजी भोंसले और जनजातीय समाज के संघर्षशील नेता जीवीराज सोमा मासे को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई बहनों, जीवीराज सोमा मासे ने अपने पेंटिंग से पूरे देश भर में इस क्षेत्र की कला को आगे बढ़ाने का नाम किया है। भाई बहनों, उद्धव ठाकरे की कंपनी अलग अलग बातें करके चुनाव को गुमराह करती है, शरद राव गुमराह करते हैं, मगर बांकर वालों ने कह दिया है चुनाव को है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव पूरा बीमा और 5 किलो अनाज।
ज्ञान है क्या? भाइयों बहनों माताओं, अगर वो कोई दे सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकता है। स्पष्टता करो, कांग्रेस
पार्टी के सीए वापिस लेने के फैसले के साथ अब हो या नहीं। भाइयों बहनों, हजारों रूस बैठिए, इनकी हिंदी एलआरएस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं, मगर चिंता मत करो, इस बार बंगाल में भी 30 कमल खिलने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं बंगाल में भाजपा के ही घुसपैठिए छोड़िए परिंदा भी मॉडल लौट नहीं जाता। मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जो वो है या नहीं है? भगत साहेब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र बांटोगा कश्मीर से क्या लेंगे? भगत साहेब आप 80 पार कर गए, मेरे बसई वालों को पार कर वालों को नहीं जानते, यहाँ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। आपकी परंपराएं जानते हैं ना अपने धर्म को समझते हैं।
केवल और केवल अपने स्वार्थ को समझते हैं, स्वार्थ को समझते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए ढेर सारे काम किए। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, मोदी जी ने बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस बनाया, और 70 साल के बाद पहली बार आदिवासी गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। कांग्रेस आदिवासी कल्याण का बजट 25,000 करोड़ था, मोदी जी ने बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम करेंगे। सिकल सेल के लिए इंस्टीट्यूट बनाई, डिस्ट्रिक्ट मेंटल फंड बनाया, और इसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय बनाए, 740 एकलव्य विद्यालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे साथी दल इन लक्ष्य से लेकर सीख तक देश के लिए जीने वाले लोगों से, और ये इंडियन अलायंस इनका उद्देश्य। मोदी जी कहते हैं, मेरे जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित, मेरे देश के गरीब भाई बहनों को समर्पित, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं जीवन जिया। और मैं आज इंडियन एयरलाइंस वालों का उद्देश्य बताना चाहता हूं। उद्योग जी का एकमात्र उद्देश्य आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, पवार साहब का एकमात्र उद्देश्य सुप्रिया सुले जी को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का एकमात्र उद्देश्य भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, लालू जी का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया जी का एकमात्र उद्देश्य राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अब पात्र मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हो वो पात्र वसई वालों का कल्याण कर सकते हैं क्या? अपने बेटे में से ही बाहर नहीं आता है, आपका कल्याण क्या करेंगे? आपका कल्याण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सबसे बड़ा लंबा समुद्री पुल 17 किलोमीटर का अटल सेतु बनाने का काम किया, 11,000 करोड़ से पंढरपुर में पार्थिव मार्ग का निर्माण हमारे नेता नरेंद्र मोदी, 1,00,000 करोड़ से भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है, 5 नई वंदे भारत ट्रेन होगी, मुंबई गांधीनगर, मुंबई सोलापुर, मुंबई साईनगर, सीडी की नागपुर बिलासपुर और मुंबई गोवा, इस तरह से 5 वंदे भारत ट्रेन लेने का काम किया, और 40,000 करोड़ रुपया लेकर हमारी मेट्रो को 33 किलोमीटर लंबाई देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 1,800 करोड़ रुपया खर्च कर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेशन और 123 रेलवे स्टेशनों का नया बिल्डिंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उड़ान के तहत जलगांव, सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, नांदेड़, अमरावती, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोंदिया का विकास
बहनों, मैं आज यहाँ पर 400 MLD पानी का इंतजाम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। सूर्या बांध से पानी लाकर वसई पालघर वालों की प्यास बुझाने का काम किया। के 2600 मछुआरों को मोदी सरकार पाकिस्तान से छुड़ा रही है और वसई बांधकर जाने वाले लोगों के लिए रोरो फेरी शुरू करने की बात भी पक्की हो गई है, शुरू हो गैस पाइपलाइन का काम चला है। 5,34,000 लोगों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। 260 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के दे रही है और स्वनिधि में योजना के तहत 18,000 युवाओं को हमने काम दे देता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है और मैं आपको मोदी गारंटी देता हूँ, तीसरी बार चूंकर ला दो 5वें नंबर से संसार का 30वें नंबर का अर्थतंत्र हमारा देश को सुरक्षित बनाए। कोई आप उठाकर देश के सामने न देख सके ऐसी चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि नरेंद्र मोदी के अलावे और कोई इस देश का नेतृत्व आज की स्थिति में कर सकता है? एक चुनाव में हमारा एकत्र लक्ष्य होना चाहिए, मोदी जी को 400 पार कराना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और महान भारत की रचना। भाइयों बहनों, इंडी अलायंस के साथ जो सर्कस जैसा अलायंस बना है वो हमारे मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये हेमंत विष्णु सावरे किसी से तो डॉक्टर है मगर ऐसा विनम्र नेता आपको मिलेगा जिसको इनके पिताजी की तरह आप सालों तक याद करोगे। मुझे बताओ पार्टी वालों, आगे आओ हेमंत जी, सालों तक याद करोगे? मैंने कहा, अब मैं पूछना चाहता हूँ, हेमंत जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? जिताओगे? उनके निशान पर बटन दबाओगे? 400 बार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? और असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, वो उद्धव जी को बता दोगे? साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुख्य पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।